एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अर्थात अकेला आदमी बिना किसी की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इंसान ने अपने पुरुषार्थ से इस कहावत को पूरी तरह से झुठला दिया है। चाहे वो दशरथ मांझी हो, जिन्होंने अकेले ही पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एनबी सिंह, जिन्होंने अकेले ही अपने शहर को हरा भरा करने का बीड़ा उठाया। आज उनकी बदौलत विश्वविद्यालय और शहर के काफी हिस्से हरियाली से लहलहा रहे हैं। वृक्ष हमारे लिए आवश्यक है। प्रेरणा मिली हमको अपने पिताजी से। मेरे पिताजी कई बाग लगाए हैं। तो कक्षा 3 में था मैं, उस समय 50 पेड़ मैंने अपने पिताजी से मंगवा के कलमी आम के लगाए थे, जिसमें लंगड़ा दशहरी चौसा था। तो पिताजी से हमको पेड़ लगाने की शिक्षा मिली और उसके बाद उसको आज तक मैं सतत बनाए हूँ। और वृक्ष लगाने में हमको जितना आनंद आता है उतना और किसी काम में नहीं आता। देखा आपने, जिस उम्र में बच्चे ढंग से बोलना भी नहीं सीख पाते, उस उम्र में उन्होंने पेड़ों के संरक्षण को ही अपना ध्येय बना लिया था। इनका मानना है कि पेड़ लगाने से ज्यादा जरूरी पेड़ों का संरक्षण, क्योंकि फोटो खिंचवाने के लिए हर कोई पेड़ तो लगा देता है लेकिन वो कुछ दिन में मर जाते हैं। 1 लाख से ऊपर मैंने पेड़ लगाए, जिसमें छोटे बड़े सभी पेड़ हैं। प्रयागराज मैंने पेड़ लगाए, गांव में पेड़ लगाए, अपनी कॉलोनी चैथम लाइन में बहुत पेड़ लगाए हैं। और प्रयागराज में PDA से मैं जुड़ा हाई कोर्ट के निर्देश पर, और मैंने करीब 37,000 वृक्षों का सर्टिफिकेट दिया कि ये वृक्ष 1 साल के बाद भी जीवित हैं। तो वृक्ष लगाइए, उनको उनकी सुरक्षा और संरक्षण भी जरूरी है। आज हमको कहते हुए दुख होता है कि जब सभी वृक्ष लगाते हैं, तमाम महोत्सव मनाए जाते हैं, वन महोत्सव मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन पे भी लोग पेड़ लगाने लगे हैं, लेकिन पेड़ कम होते जा रहे हैं। जब हम वृक्ष नहीं लगाते थे तब जंगल थे, आज हम वृक्ष लगा रहे हैं तो जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, वृक्ष लगाइए, उनको सुरक्षित और संरक्षित करिए और वृक्षों को कटने से बचाइए, क्योंकि वृक्षों से हमारा अटूट संबंध है, अटूट। वृक्षों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ग्रीन हाउस गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। पौधे उसके बदले हमको ऑक्सीजन देते हैं। ये अटूट संबंध है, बायलेटरल म्यूचुअल रिलेशनशिप है जो कि सतत है। सबसे पहले पेड़ पौधे आए, इसके बाद जंतु आए जिसमें हम लोग भी आए। तो ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है, प्राणवायु भी है। दूसरे, वृक्ष रोटी कपड़ा मकान देते हैं। तीसरा, वृक्ष जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। आज विकास की होड़ में जब लोग ग्लोबल वार्मिंग से परेशान हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की बात होती, तापीय विश्व की बात होती है, ग्लेशियर्स पिघलने की बात होती है, और आपको मैं बता दूं, इस साल 50 डिग्री टेम्परेचर हुआ, तापमान हुआ कनाडा का, जहाँ बर्फ गिरती है, वहाँ 600 लोग, विक्टोरिया गांव है, क्वीन विक्टोरिया गांव, जिसमें 600 लोग इसलिए मरे कि गर्मी बढ़ गई थी, रूस में गर्मी बढ़ी, रूस में ब्लोअर्स लगाए गए थे, फॉगिंग मशीन लगाई गई थी तापमान ठंडा करने के लिए। तो इस तापीय विश्व में टेम्परेचर तापमान बढ़ा तो हमारे लिए हमारा अस्तित्व खतरे में होगा। इसलिए आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। मैं बच्चों से सवाल करता हूँ कि बच्चा पैदा होने पर सबसे पहले क्या लेता है? बच्चा सबसे पहले पैदा होता तो ऑक्सीजन लेता है, रोटी कपड़ा मकान स्टेटस नहीं देखता है। तो आप सोच सकते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये कहा गया, निर्जल व्रत रहिए, निराहार व्रत रहिए, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कहीं नहीं लिखा कि आप ऑक्सीजन के बिना व्रत रहिए। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ये सबसे आवश्यक है, ये हमारा टूट संबंध। हरियाली गुरु प्रोफेसर सिंह सिर्फ पेड़ों के संरक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो अन्य जीवों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। खास तौर से सांपों के संरक्षण में उनका योगदान काफी अहम है। अभी तक हरियाली गुरु ना जाने कितने ही सांपों को बचा चुके हैं। जीव जंतुओं का संरक्षण करना, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कहीं न कहीं कोई शाकाहारी है, कोई न कोई मांसाहारी है। आप सोचिए, अगर सभी शाकाहारी जानवर होते इस धरती पर तो सब जंगल नष्ट हो जाते, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती, ऑक्सीजन के स्रोत खत्म हो जाते, हमारी फसलें नष्ट हो जाती। लेकिन
मांसाहारी जानवरों की भी वही उपयोगिता है। तो इस सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और उसी को हम समाज कहते हैं, उसी को कम्युनिटी कहते हैं, उसी को समुदाय कहते हैं। तो इसलिए जीव जंतुओं को भी बचाइए। हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, गोवर्धन पर्वत है, हिमालय पर्वत है, देवभूमि कहते हैं पूरे हिमालय को उत्तराखंड में, तो सब पूजा होती है, वृक्षों की पूजा है, जंतुओं की पूजा है, गाय को गौ माता कहते हैं, नाग की पूजा करते हैं नाग पंचमी के दिन। लेकिन क्यों, क्या मतलब इसका? पूजा हमारे पूर्वजों ने कहा था पूजा करिए तो इनका सम्मान करिए। आज हम नाग पंचमी के दिन पूजा करते हैं, दूध भी पिलाते हैं जो कि जरूरी नहीं है, इसके बाद हम 365 दिन सांप मारते हैं। सभी सांप ऐसे हैं खतरनाक हैं कि आपका जीवन खतरे में होगा। अगर सभी को भगवान ने सुरक्षा का साधन दिया है तो आपको भी सुरक्षा का साधन दिया है, आप अस्त्र लेके चलते हैं तो सभी को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, सांपों को भी अपनी सुरक्षा का अधिकार है। तो उनको बचने दीजिए, उनको जीवित रहने दीजिए। क्यों? आप प्रकृति की एक सुंदर रचना है। यू आर द बेस्ट सिग्नेचर ऑफ नेचर। प्रकृति की एक सुंदर कृति है, इस सृष्टि की जिम्मेदारी आपकी है। इलाहाबाद में प्रोफेसर होने के नाते चाहे तो एक लग्जरी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पर्यावरण को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। उनके पूरे परिवार में किसी के पास गाड़ी नहीं है, वो खुद साइकिल से चलते हैं। उनका मानना है कि स्वास्थ्य के लिए साइकिल से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। देखिए, साइकिल का चलने का है, लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और मैं ये सब कुछ नहीं करता, मैं इसमें समय नहीं बर्बाद करता, इन सब से मैं साइकिल चला के मैं स्वस्थ रहता हूँ। और साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आप साइकिल चलाएंगे स्वस्थ रहेंगे। लोग शुगर के पेशेंट होते जा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण मुक्त वाहन है। पेट्रोल जहाँ लोग चिल्लाते हैं कि पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, जरूरी है पेट्रोल, आप संसाधन सार्वजनिक साधन से चलिए ना। क्यों हर परिवार में चार गाड़ी रखेंगे? एक ही गाड़ी रखिए, एक गाड़ी चार परिवार चारों सदस्य मूव करें। हमारे परिवार में अभी तक कार नहीं है, ऑटोमोबाइल्स नहीं है, कोई बाइक नहीं है। हमारे बच्चे भी साइकिल से चलते हैं, मैं भी चलता हूं, और ये प्रयास करूंगा लोग साइकिल का भी उपयोग करते रहें, जिससे प्रसाद 10-20 लड्डू खा सकें। जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरत इंसान को पैसे या साथ की नहीं होती, बल्कि होती है विश्वास की, विश्वास खुद की। अगर आपकी नीयत साफ है तो मंजिल कितनी दूर क्यों ना हो मिल ही जाती है, फिर चाहे वो अकेले ही तय क्यों ना करनी पड़े। हरियाली गुरु पर कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्ति एकदम सटीक बैठती है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।